अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या करना है, आपको पता है कि हमारी फिंचेस ने दोस्तों अंडे दिए हैं। तो जब हमने देखा था उस टाइम दोस्तों सिर्फ एक अंडा था, और अब दो दिन गुजर गए हैं। अब जाके देखते हैं क्या हमारी ज़ेबर फिंचेस ने और अंडे दिए भी हैं या नहीं दिए। और दूसरी फिंचेस का भी मैं आपको बताऊँगा एक और खुशखबरी। दोस्तों अजाने हो जाएँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपनी एवरी के अंदर, और अंदर जाके मैं भी देखता हूँ और ख़ुद भी देखते हैं कि क्या हमारी फिंचेस ने कितने अंडे दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी ये देता हूँ कि हमारे जो दोस्तों ज़ेबरा फिंच वाइट वाले ही पेड़ जो हम न्यू लेके आए थे, उसने भी माशाल्लाह नेस्ट बना लिए है। मैं बताता हूँ आपको, आप देख के काफ़ी हैरान होंगे कि यार इसने नेस्ट किधर बनाया। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले अपनी एवरी के अंदर चलते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और जाके दोस्तों अपनी डव के बच्चे भी देखते हैं कि कितने बड़े उनके बच्चे हो चुके हैं। तो चलें दोस्तों, और अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं दोस्तों मैंने एक काम शुरू किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो दोस्तों ये है कि मैंने कुछ दिन से ना अपनी ज़ेबरा फिंचेस को ये आप ये जो एक्शल देख रहे हैं ये देना शुरू किया माशाल्लाह से। हो सकता है कि उन्होंने ये खा के ही अंडे दिए हों, बाकी मुझे कन्फर्म नहीं है। ये एक्शल है, जो भी हमारे घर में अंडा बनता है मैं इनका छिलका जो है निकाल के संभाल के रख देता हूँ। और ये काफ़ी सारे देखे आप जमा हुए हैं, मैं इनमें से दो शैल लूँगा और इनके जो दाने वाला पॉट है उसमें डाल दूँगा, और उनका दोस्तों दाना भी जाके देखते हैं कि क्या ख़त्म हुआ हुआ है, वो भी इंशाल्लाह डालते हैं। तो चलें दोस्तों एवरी के अंदर चलते हैं। तो मैं दोस्तों अपनी एवरी में आ चुका हूँ। मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर हमारी वाइट जो ज़ेबरा फिंच है ना फीमेल, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी जो हमारा पुराना पेयर और जो वाइट का मेल है दोस्तों, वो इधर बैठे हुए देखें, एक दो तीन, जो चौथी है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है दोस्तों के मैं चले आपको नेस्ट बताता हूँ दोस्तों, उसने नेस्ट किधर बनाया। दोस्तों नेस्ट वाइट फिंच ने उधर बनाया जहाँ पे हमारी ज़ेबरा फिंच ने बनाया दूसरी पहले वाली। यार देखें मुझे इसमें वो हो रही है, आप नाम बता दें मुझे इनका ताकि मैं इनका नाम रख सकूँ। जो दोस्तों वाइट ज़ेबरा फिंच इसकी फ़ीमेल है, उसने उसी टोकरी के बिल्कुल पीछे एक जगह है, काफ़ी अच्छी जगह उसने ढूंढी है, वहाँ पर वो हो सकता है बैठी है। और दोस्तों हो सकता है, अल्लाह करके दुआ कीजिएगा कि इसने भी यहाँ पे अंडे दिए हो। तो खैर मैं बैक कैमरे से चल के देखती हूँ। यार मैंने भी दोस्तों अभी देखे है, ये जो हमारी रेड का पेयर है माशाल्लाह, इनका आपस में पेड़ लगा हुआ मैं अभी देख रहा हूँ। ये देखे ज़रा माशाल्लाह, एक जो हमारे घर की निकली हुई फीमेल वो है, और दूसरा हमारा मेल जो हम न्यू बाय करके लाए थे काफ़ी पहले। और ये देखें इस तोते को देखें माशाल्लाह कैसे मस्त हुआ हुआ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, इनका जो है पेड़ लग चुका है हमारी रेड टेल डव का, रेड के साथ माशाल्लाह। तो खैर चलते हैं दोस्तों, बड़े ही आसान से आराम से अपनी फिंचेस को देखें। तीन फिंचेस दोस्तों यहाँ पे हैं, ये देखें हमारी तीन फिंचेस यहाँ पे। हो सकता है कि इसमें एक फ़ीमेल हमारी बैठी हुई हो। खैर आराम से जाऊँगा और देखते हैं कि क्या फिंच, मैं कैमरा इधर रखता हूँ, हो सकता है अगर निकले तो रिकॉर्ड हो। ये जी दोस्तों माशाल्लाह, इसी के अंदर बैठी हुई है ये फ़ीमेल, ये देखें। ये मेरा अंदाज़ा दोस्तों बिल्कुल सही था, हमारी फिंच की जो फीमेल है ये आगे बाहर माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है इसने अंडे दिए हुए, दुआ करता हुआ जा रहा हूँ कि यार इंशाल्लाह अंडे होंगे यहाँ पे। खैर देखते हैं दोस्तों फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। तो चले दोस्तों देखते हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर लिए मैंने, और पहले हम इसकी देखते हैं कि इसके अंडे कितने हो गए। और अरे माशाल्लाह दोस्तों काफी सारे अंडे मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। एक मिनट यार, ये माशाल्लाह कितने हैं यार दोस्तों माशाल्लाह, चार अंडे ये देखें यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। ये देखें ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह दोस्तों, हमने लाजमी बोलना है। हमारी ब्लैक फिंच ने दोस्तों चार अंडे दिए हैं, अब इधर देखते हैं, इधर तो देखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इधर दोस्तों इनका नेस्ट जो है ना वो कुछ ख़राब है। मैं देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि अंडे इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं। नहीं अभी नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसने अंडे दिए यहाँ पे।
नहीं दोस्तों, अभी हमारी वाइट फिंच ने कोई अंडा नहीं दिया। मैं एक दफ़ा आपको भी दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बड़ी सुरंग जा रही है अंदर को, और इसके माशाल्लाह यहाँ पे 4 अंडे हैं हमारी फिंच के। तो मैंने दोस्तों चेक कर लिया, माशाल्लाह जो हमारी ज़ेब्रा फिंच ब्लैक चिक की फ़ीमेल है दोस्तों, उसने माशाल्लाह 4 अंडे दिए हैं, और जो वाइट फिंच की फ़ीमेल है वो उस नेस्ट में से निकली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप इसका फ्रंट हिस्सा देख रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पे इसका पुरानी वाली फिंच का मेला जिसने अंडे दिए हैं घोंसला है, और जो ये वाली साइड है दोस्तों यहाँ पे हमारी वाइट ज़ेब्रा फिंच का नेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आया हूँ दोस्तों, तो क्या करते हैं अपनी डायमंड के बच्चे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, इसके बच्चे की ग्रोथ देख लेते हैं कि कैसी होगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसने 4 अंडे दिए थे जिसमें से 2 बच्चे हमारे निकल आए थे, और एक अंडा जो क्रैक हो गया था उसमें भी दोस्तों बच्चा निकल गया था। लेकिन दोस्तों जब मैं अगले दिन आया तो मैंने देखा कि वो बच्चा दोस्तों वही वाला बच्चा मरा हुआ था। अब चारों की चारों फीमेल जो हैं वो इसे डब्बे में बैठी रहती हैं, हो सकता है कि वो दब के भी चारा मर गया हो, लेकिन वो दोस्तों वो अब नहीं रहा वो बच्चा। अब इसमें मैं आपको बच्चे इनके निकाल के दिखाता हूँ कि कितने बड़े इनके दोस्तों बच्चे हो गए। मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा, ये देखते हैं, मैंने भी नहीं देखे थे, मैं तकरीबन कल पता नहीं परसों आया था अभी। और ये माशाल्लाह दोस्तों ये देखें, ये रहा दोस्तों, शायद आपको नज़र आ रहा होगा डायमंड डव की। दोस्तों इसकी आंखें भी जो हैं, आइज़ जो हैं इसकी माशाल्लाह वो भी खुल चुकी हैं, और इसके छोटे छोटे विंग्स जो हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, हमारी डायमंड डव का एक बच्चा, और अब दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी के नीचे है। इसमें इस टाइम दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी 2 पेयर बैठ, मतलब थोड़ी 1 पेयर बैठा हुआ, और ये बच्चा दोस्तों मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा बड़ा है जी, बिल्कुल। इसकी तो यार पूरी आइज़ खुली हुई है माशाल्लाह, ये देख, इसकी पूरी आइज़ खुली हुई है, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों ये रेड टेल में जा रहा है। ये देखें जरा, ये दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, इसकी आइज़ भी खुली हुई है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें इसकी दोस्तों आइज़ भी खुली हुई है, और माशाल्लाह इसकी टेल भी निकल चुकी है ये वाली, और इसके काफ़ी ज़्यादा यार फर आ गए, काफ़ी जल्दी माशाल्लाह इनकी ग्रोथ हो रही है। मैं इसको रख देता हूँ, ये देखें दोस्तों जो हमारी वाइट ज़ेब्रा फिंच की फ़ीमेल है वो अपने नेस्ट में आना चाह रही है। तो अब हम उस वाली साइड पर चलते हैं, मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और इसके भी अंडे माशाल्लाह, लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि इसके माशाल्लाह 1 अंडे थे, अब 3 हो चुके हैं। ये देखो ज़रा, ये दोस्तों शायद आपको नज़र आ रहा हो इसमें, ये देखें, तीन अंडे दोस्तों हमारी इसके, और इनको मैं अब ये जो एग शेल में लाया हूँ इनके लिए, ये भी मैं डाल देता हूँ, दाना इनके पास पड़ा हुआ है, एग शेल भी पहले से पड़े हुए हैं, ये देखें। तो एग शेल दोस्तों मैं इनको रोज़ डाल रहा हूँ, और माशाल्लाह सारा का सारा ख़त्म कर लेती है। मैं सुबह का टाइम डालता हूँ तो रात के टाइम जो है ना सारा का सारा ये माशाल्लाह ख़त्म कर देती हैं। तो ये मैंने शायद रात को डाला था, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ पिछला, और ये देखें काफ़ी सारा यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये बस खा भी लेंगे, दाना इनके पास पहले से अवेलेबल है, और माशाल्लाह हमारी फिंचेस। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों तो यार ये हमारी जो बुलबुल है ना ये वाली, ये तकरीबन 3 दिन से दोस्तों इसी केज में बंद है। आपको पता है हमारी फिंच ने अंडे दिए, तो ये ना हो कि मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि ये मारे ना। तो यार एक 3 दिन से लगातार बेचारी बंद है, ये दाना पानी मैं इसको इसी में दे देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों क्यों ना इसको खोल दिया जाए आपके सामने, बल्कि इसको मैं आप एवरी में दोस्तों रिलीज़ कर देता हूँ। और अगर ये मारेगी फिंचेस को तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के जो है वो डाल दूँगा इसका केज में, इधर ही रख के रहने देता हूँ। ये माशाल्लाह हमारी बुलबुल, ये दोस्तों माशाल्लाह हमारी रेड वेंटेड बुलबुल बाहर आ चुकी है। तो इसकी ये देखें माशाल्लाह, खैर इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, जाओ अब तुम आज़ाद हो। अगर इसने दोस्तों अगर हमारे बर्ड्स को कुछ कहा तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से पकड़ के इसी केज में डाल दूँगा। इसका हाल यही है, ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से बोल रही है, ये देखें।
तो चलें दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लाजमी लिखना है, और आपने ये लाजमी बताना है कि आपको फिंचीज के अंडे कैसे लगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।